ये हमारे प्रोटेक्टर हैं अपना मकाम पैदा करने के लिए, सक्सेस की की है। जैसा अभी सूंघने की ताकत, कहीं से आप गुजर रहे हैं और कहीं से गैस चैम्बर फट गया या गंदगी बहने लगी या ड्रेनेज फट गया, कैसे पता चलता है? मतलब आपको इंटीमेशन मिल जाता है यहां से गंदगी आ रही है। होता क्या है, उस रास्ते पे नहीं जाना। नहीं, जरा गंदगी कैसे देख लेंगे? ये पांच चीजों की जो हिफाजत कर रही है, ये हमारे प्रोटेक्टर हैं। कहीं से हम जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, हॉर्न बजने के साथ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, तभी मालूम होता है कि क्या आ रहा है। तो सुबह से शाम तक बहुत सारी पॉजिटिव निगेटिव चीजें आती है। नेगेटिव को अगर साइड बाय करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव को लेंगे तो वही सोच बनेगी। सिंपल। तो सुनना, समझना, तो इल्म बढ़ता कब है? मैं एक सवाल आपको कुछ देर पहले बोला था, आपके पास सवाल चाहिए। जिसके पास सवाल होगा, जवाब उसी को मिलेगा। क्योंकि देखो, इब्राहिम खलीलुल्लाह पैगंबर हमारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह अलैहि को खत खिताब दिया गया था, अल्लाह के पैगंबर। उन्होंने पैगंबर रहने के बावजूद भी अल्लाह से सवाल किया था, अल्लाह मुझ पर तो ईमान तो है, तो दिखता कैसा है? दिखने के बाद वह ईमान मजबूत हो जाएगा, मतलब महूम से यही निकलता है। यदि सवाल था तो अल्लाह ने क्या कहा? इसका कुरान में तस्करा है, ठीक है, परिंदा लो, उसके चार टुकड़े कर दो, उसको सुबह कर दो, चारों सिंह में उसको फैला दो, आवाज लगाओ, परिंदा बनते हुए आ गया। ये सबसे बड़ा प्रूफ है उसके मन का, है ना? तो सवाल बहुत जरूरी है। पहला सवाल आप अपने मन में मिला लीजिए, हु आई एम, व्हाट आई एम, मैं क्या, मैं कैसी, मैं क्यों, मैं किसकी। चलो कुछ काम कर जाए, किसी के काम आ जाए, कोई रास्ता सुझा जाए, कोई बस्ता थमा जाए, किसी की रहनुमाई हो, किसी का घर बसा जाए।